किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इतनी गर्मी पड़ने लगेगी, लू चलने लगेगी। दिल्ली और एनसीआर समेत राज्य में कई राज्यों में गर्मी इन दिनों अपने तेवर दिखा रही है। बिल्कुल, मौसम को लेकर एक गुड न्यूज है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश की रिमझिम फुहारें लोगों को राहत दे सकती हैं। अनुमान यह है कि इस हफ्ते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है। आसमान से बरसती आग से परेशान लोगों के लिए अब राहत भरी खबर मौसम विभाग ने दी है। पिछले कई हफ्तों से लोगों के पसीने छुड़ा रही गर्मी से लोगों को कुछ वक्त के लिए निजात मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम इलाके इन दिनों लू के थपेड़े झेलने को मजबूर हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर और दूसरे इलाकों में तपिश कुछ कम होगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 18 अप्रैल से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली ही नहीं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है और इसके लिए हमने दो दिन मार्जिनल हीट वेव कंडीशंस आ सकते हैं। मार्जिनल मीन कि जैसे हमारा जो डेफिनेशंस है डिपार्चर से 4.5 या 5 डिग्री तक अब आप नॉर्मल जा सकते हैं। उसके बाद अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जिसका अभी वेस्टर्न हिमालय रीजन में इफेक्ट है और दो दिन के बाद प्लेन्स पे भी उसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी। हमारी उम्मीद है कि 2 से 4 डिग्री जैसे थोड़ा ज्यादा ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी। यानी इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर के आसमान में बादल राहत का पैगाम लेकर आ सकते हैं और 19 और 20 अप्रैल को बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी मौसम खुशनुमा हो जाएगा। पश्चिम भारत के भी कई इलाकों में मौसम की मेहरबानी देखने को मिलेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई और राज्यों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। दोपहर में चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अब लोगों को इंतजार है उन रिमझिम फुहारों का जो सुकून की सौगात लेकर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि गर्मी के इस मौसम से इंसान क्या जानवर भी परेशान है। कोलकाता के अलीपुर जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए वैसे खास इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां जानवरों को न केवल कई बार नहलाया जा रहा है बल्कि उनके बाड़ों को भिगोकर ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि गर्मी के मौसम में यहां जानवर थकावट का एहसास कर सकें और सेहतमंद रहें। छुट्टियों में बड़ी तादाद में सैलानी इन जू और नेचर पार्क का रुख करते हैं, ऐसे में इन जानवरों को गर्मी में कूल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो कई बाड़ों में आपको बता दें कूलर की व्यवस्था की गई है, कई बाड़ों को ठंडा रखा जा रहा है, बार बार पानी के छींटे दिए जा रहे हैं ताकि जानवरों को राहत मिल सके।